जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट वन राजू साहब, इनका कंटेंट मैं मेरे पास जवाब में परेशान हो गया, पता है इनको कितनी मोटी है, जरा वो दिखाओगे लोग 200 पेज में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सी एस स्पर्धा गुप्ता, मैं एक सी ए फैकल्टी हूँ और आज EFI के द्वारा मुझे बेस्ट सी ए फैकल्टी का अवार्ड दिया गया है। थैंक यू सो मच EFI, विश्व मोहन सर, अनुराग सर, ताकि एक प्लेटफॉर्म दिया है इन्होंने मुझे, और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस द इंडिया, ताकि हम इन लोगों से मिल सकते हैं जिन लोगों को सिर्फ हम यूट्यूब की दुनिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक से जानते थे, वहाँ आज एक रियलिटी के वर्ल्ड में हम इन सब से मिल रहे हैं, हमें नए नए आइडियाज़ मिल रहे हैं, एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा है एक ऐसे लोगों का जिनसे हम सिर्फ वर्चुअली कनेक्टेड थे, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, हमारे सीनियर्स हैं, सो थैंक यू वेरी मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर ऑफ दीज इवेंट्स। आई एम कविता शर्मा और आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया था, जहाँ की चीफ गेस्ट थी मीनाक्षी जी, तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत मतलब चलिए थैंक यू सो मच। एवरीवन, दिस इज़ अजीत भारती, आई एम इंडिया एसियन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन मेमोरी। एक्चुअली टुडे EFI अवार्ड मुझे मिली है बेस्ट मेमोरी मैन की, और बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा खासकर अनुराग सर का, और जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, मुझे सेलेक्ट किया, और आज की जो प्रोग्राम की जो मेन चार्मिंग रही वो मीनाक्षी मैम, मीनाक्षी ससादरी मैम इज़ द बॉलीवुड एक्ट्रेस, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। इंडिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए जिसे हम सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं, आज फिजिकली मिलने का मौका मिला और हम लोगों ने आपस में एक दूसरे के प्रॉब्लम को शेयर किया और बहुत अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम भी आने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सर। हेलो, मैं डॉक्टर सुरभि सिंह और मुझे इस इवेंट के बारे में पता चला कि इसमें मीनाक्षी ससादरी जी आ रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा सपना था इनसे अवार्ड लेना, क्योंकि जब मुझे पता चला कि मैम USA से आ रही हैं तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे इंडिया आ रही है, अदरवाइज़ USA जाके मैम से मिलना पड़ता, और मैम के टाइम में हम लोग इनकी बहुत मूवीज़ देखी हैं और बहुत अच्छा लगा, इवेंट भी बहुत अच्छा था और हमने बहुत इन्जॉय किया, थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर रुचि बत्रा है और मैं एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट हूँ। हार्ट एंड सोल के माध्यम से मुझे आज मौका मिला है एंटरप्रेन्योर फोरम ऑफ इंडिया में आने का, और इन्होंने मुझे सम्मानित किया है अपने फील्ड में, मेरे कार्य को लेके जो प्रशंसा हुई है, जो लोगों को अच्छे रिजल्ट मिले हैं, माइंडफुलनेस टेक्निक्स पे जो मैंने पर्सनल काम किया है फूलों के साथ, और उसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है द टाइमलेस विजडम ऑफ फ्लॉसी रेकी जो लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी, चक्रा हीलिंग कामनेस इंड्यूस करने में जो रिजल्ट्स मिले हैं इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में सबको, उसके लिए इस अवार्ड के लिए मैं एंटरप्रेन्योर फोरम ऑफ इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, विश्व मोहन जी का, संजय मित्तल जी का, थैंक यू सो मच एंड विशिंग देम ऑल द लक, ताकि आने वाले टाइम में ये सभी ऑथर्स को इसी तरह से इनकरेज करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। नेशनल पब्लिक स्पीकिंग कोच एंड आई हैव क्रिएटेड मोर देन 1 लाख पब्लिक स्पीकर्स अक्रॉस 23+ कंट्रीज। टुडे वी हैव गैदर्ड ओवर हियर एट द इवेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फोरम ऑफ इंडिया व्हिच इज हेडेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय मिस्टर विश्व मोहन सिंह, who is the founder and national president, and we have over 300 plus entrepreneurs coming over here to attend this gala event where our chief guest Meenakshi Seshadri, who does not require any introduction, a famous Bollywood actress, came over here to motivate all of us. We at EFI are very thankful and grateful to Meenakshi Seshadri for coming over here, taking out the time, a lot of persistence. They follow a lot of focus in their business, and at the end of the day what they need is someone touching the heights of success, coming over here to felicitate them, to honor their commitment, to grace the occasion with their presence and make them feel inspired. So we are feeling inspired right now, all thanks to Vishnu Mohan Singh for his amazing initiative under EFI. I'm also the part of core team of EFI. And I wish all the great success to each one associated. We are very thankful to our partners, media team, sponsors, each and every one who is associated with this event. Thank you very much. ये हमारा 7th सीजन है। आज हमने टोटल 16 बुक्स लॉन्च किए हैं और 40 अवार्डीज को हमने अवार्ड दिया, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में काफ़ी एक्सेल किया है।
पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए थे, एंड जिन्होंने अपने फील्ड में एक्सेल किया है उन सबको हमने सम्मानित किया है। आज का जो अवार्ड है EFI अवार्ड्स, आज के जो चीफ गेस्ट थे हमारे आलोक मेहता जी, टीवी जर्नलिस्ट थे जो पिछले 52 ईयर से टीवी जर्नलिस्ट के जानी मानी हस्ती हैं, वो हमारे आज के चीफ गेस्ट थे। एंड आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी गेस्ट थी मीनाक्षी शेषाद्री, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उन्हीं के हाथों हमने टोटल 15 बुक्स को लॉन्च किया। इस एंटरप्रेन्योर्स फोरम को बनाने के पीछे का जो मकसद है वो ये है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्किल डेवलपमेंट की जाए, और स्किल डेवलपमेंट के बाद किस तरीके से उनके लाइफ को और बेहतर बनाया जाए, ट्रेनिंग के थ्रू, उनको रिकग्नाइज करके अवार्ड्स के थ्रू, उनके ब्रांडिंग के थ्रू, उनको ट्रेन करके, उनसे बुक लिखवा करके, उनके बुक को पब्लिश करवा करके, हम एवरी डे उसको अमेजन पे अपलोड करते हैं।